गुड मॉर्निंग हिमाचल, आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। रेड जोन दिल्ली से आने के बाद सीधे एसडीएम ऑफिस पहुंच गया ग्रामीण, फिर तुरंत भेजा कोविड सेंटर। एक घर से सरकारी सीमेंट के 17 बैग बरामद, पंचायत प्रधान संग एक गिरफ्तार। बसों की कमी और लोगों में दोपहिया वाहन खरीदने की होड़, महिलाएं सबसे आगे। कोरोना वायरस का डर नहीं, बाजारों में सामाजिक दूरी के प्रति लापरवाह दिखे लोग। बह रुपये का कोरोना पर प्रहार, लोगों को दो गज की दूरी, मास्क और डिस्टेंस का पढ़ाया पाठ। अब समाचार विस्तार से। ज्वाली उपमंडल कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब रेड जोन दिल्ली से एक व्यक्ति सीधा एसडीएम से मिलने उनके दफ्तर पहुंच गया। पता चला कि ये व्यक्ति दिल्ली से पिछले कल यानी बुधवार को अपने गांव अमलेला में आया हुआ था। उसने कहा कि ऊना में उसकी स्कैनिंग हुई है और उसे कहा गया था कि वह ज्वाली एसडीएम कार्यालय में जाकर अपने आने की सूचना बताएगा। इस दौरान वह आज सुबह ज्वाली पहुंच गया और एसडीएम के कार्यालय के बाहर कुछ देर बैठा रहा। जब एसडीएम ऑफिस पहुंचे तो वह सीधा उनके कमरे में चला गया। इस दौरान उसे तुरंत कोविड सेंटर ढन भेज दिया गया। इसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड बुलाकर एसडीएम कार्यालय के सभी कमरों को सैनिटाइज किया गया। ज्वाली उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत चलवाड़ा में एक व्यक्ति के घर से सरकारी सीमेंट पकड़ने का मामला आया है। पिछले बुधवार रात को गुप्त सूचना के आधार पर ज्वाली पुलिस ने ग्राम पंचायत चलवाड़ा के सुभाष चंद सुपुत्र राय सिंह के घर रेड मारकर 17 बैग सरकारी सीमेंट अल्ट्रा ट्रैक के बरामद किए। डीएसपी ज्वाली ओंकार चंद के अनुसार सुभाष चंद ने बताया कि ये सरकारी सीमेंट चलवाड़ा पंचायत प्रधान से लिया गया था। इस मामले में सुभाष चंद व ग्राम पंचायत चलवाड़ा प्रधान कुशाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। धीरा की सड़कों पर सुबह सवेरे इन दिनों दोपहिया वाहन चालकों को प्रशिक्षण लेते काफी संख्या में देखा जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना के प्रकोप के कारण उत्पन्न परिस्थिति के अनुकूल चलने के लिए अनलॉक में भी बसों के अभाव में लोगों विशेषकर महिलाओं ने भी दोपहिया निजी वाहनों को खरीदने व चलाने की प्रक्रिया शुरू की है। सड़कों पर काफी महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण लेते देखा जा रहा है। उधर एसडीएम कार्यालय के वरिष्ठ सहायक अमित राणा ने बताया कि अनलॉक के उपरांत ही एसडीएम कार्यालय धीरा में 3 दर्जन के करीब दोपहिया वाहनों का पंजीकरण हो चुका है। कोरोना वायरस को लोग भूलते हुए अपने रोजमर्रा के कार्य में व्यस्त होने लगे हैं। परिवहन व्यवस्था के कम होने के कारण अब जनता अपने पुराने समय को याद करते हुए अब पैदल ही सफर कर रही है। दूरदराज जाने वाले लोगों ने वाहन खरीद लिए हैं। वहीं पंचरुकी में लोग बेखौफ पहुंचे, कुछ एक तो बेमतलब ही घूमते नजर आए। मुंह में मास्क पहने लोग सामाजिक दूरी के प्रति लापरवाह दिख रहे थे। पुलिस गश्त लगाती हुई नजर रखे हुई थी। बाजार के लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर बाजार में घूम रहे थे। महिलाएं सामाजिक दूरी के प्रति लापरवाह नजर आई। आज संपूर्ण विश्व कोरोना बीमारी से बचने के लिए लोगों को किसी न किसी तरीके से जागरूक कर रहा है। इसी कड़ी में नगरी गांव में आज दीपक कुमार निवासी राजस्थान, जो कि बहरूपिये का कार्य करता है, उसने यमराज का रूप धारण करके लोगों के मनोरंजन के साथ कोरोना बीमारी से बचने के उपाय बताए। ये बहरूपिये, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, घर से बाहर निकलने पर मुंह और नाक को मास्क से ढकना, सामाजिक दूरी, हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोना आदि जानकारी दे रहा था। बहरूपिये दीपक कुमार ने बताया कि इस कार्य की एसडीएम पालमपुर से अनुमति ली गई है। कहने के लिए यम लोग चले आए हैं, चाहता हूँ जो पृथ्वी पे तो पृथ्वी चुराती है और अच्छे अच्छे ऋषि मुनि कहते हैं यम लोग की सवारी चली आती है। 2 गज की जरूरी है दूरी और कोरोना को हराना है जरूरी। कोरोना को हराएंगे और हिंदुस्तान को जिताएंगे। मुंह पे मास्क लगाए रखो, दूरी बना के रखो और बार बार सैनिटाइजर से हाथ धोते रहिए। जितनी दूरियां बनाओगे कोरोना को हराएंगे और हिंदुस्तान को जिताएंगे। जय शंकर की। आज कोरोना का उपाय लेके यम लोग चले आए हैं। जय जय शंकर।